के लिए बड़ी खबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा। सुशासन दिवस पर किसानों को सौगात मिलेगी। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस को राशि वितरण होगा। धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि 2014 से 15 और 15 से 16 का बोनस भी दिया जाएगा। 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करने का आदेश है। कुल 3,71,63,894 के प्रोत्साहन राशि वितरित होंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और उसको अब पूरा करने की बारी। और अब बात धमतरी की होगी। रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेत के अवैध खनन पर खनिज विभाग ने एक्शन लिया है। 2 चेन माउंटेन मशीन और 2 हाइवा जब्त किए हैं। तेंदुकोना और कुल्हाड़ी कोट में अवैध कारोबार चल रहा था खनन का, जिस पर कार्रवाई की गई है। धमतरी में रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई। रेत के अवैध खनन पर खनिज विभाग ने एक्शन लेते हुए 2 चेन माउंटेन मशीन और 2 हाइवा जब्त कर लिए हैं। तेंदुकोना और कुल्हाड़ी कोट में अवैध कारोबार चल रहा था, जिस पर एक्शन लिया गया है। तो वहीं अंबिकापुर में 616 क्विंटल धान जब्त किया गया है और अवैध धान भंडारण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 2 किराना दुकानों में छापा मारा गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई है। राजस्व और खाद्य विभाग का संयुक्त एक्शन देखने को मिला। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी हुई है और विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। अवैध स्टॉक पर यह बड़ी कार्रवाई। धान के 2 किराना दुकानों पर छापेमारी की गई और फिर अवैध धान को भी जब्त किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी और फिर कार्रवाई का सिलसिला। करगौन जिले के मंडलेश्वर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चड्डी बनियान गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गुजरात के दाहोद के रहने वाले 7 लोगों को मंडलेश्वर में डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल, 1 कार सहित कुल 7,00,000 रुपए का सामान जब्त किया है। गैंग का जो मास्टरमाइंड है, देवला खरगोन में सोनम जिनिंग फैक्ट्री में लाखों रुपए की लूट का भी आरोपी है। पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें बाहरी गैंग हो सकता है, लेट नाइट एसडीओपी मंडलेश्वर और उनकी टीम को सूचना मिली कि एक दाहोद का गैंग है, वो गैंग खरगोन में दोबारा से कोई बड़ी वारदात करने की प्लानिंग बना रहा है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर थाना प्रभारी मंडलेश्वर दीपक यादव और हमारी साइबर टीम के प्रभारी सुदर्शन, इनकी टीम ने कंबाइंड रेड की और रेड के दौरान इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और अब बात नर्मदापुरम की होगी, जहां हत्या के आरोपियों के घर पर निगम का बुलडोजर चला। इटारसी के नाला मोहल्ले में यह कार्रवाई की गई है। एक हफ्ते पहले 4 लोगों ने चाकू मारकर हत्या की थी और अब आप ये देख रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया है। अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे, उस पर बुलडोजर ने कार्रवाई की है और बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है अवैध तरीके से बनाए गए मकान को। खंडवा के नवनिर्वाचित विधायक कंचन तन्वे का एक अलग रूप सामने आया। भोपाल से खंडवा लौटते समय जंगल में लगी आग को खंडवा विधायक कंचन तन्वे के साथ उनके स्टाफ ने बुझाया। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। दरअसल कंचन तन्वे अपने परिजनों और स्टाफ के साथ विधानसभा के प्रथम सत्र में शामिल होने के बाद खंडवा लौट रही थी। इसी दौरान देवास जिले के तहत आष्टा से कन्नौत के बीच पड़ने वाले मार्ग में सिया चौकी क्षेत्र में सड़क किनारे जंगल में आग नजर आई। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को रुकवाया और आग को बुझाया गया। उन्होंने कहा कि विरासत रूपी वनों को बचाने में हमें जागरूकता का परिचय
देना चाहिए। हम सब ने मिलकर वहाँ पर आग बुझाई, क्योंकि पर्यावरण बचाना हमारा घर में, हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, और इस तरीके से हरकतें होती है, किसी ने वो जान बुझते वहाँ पर आग लगा कर छोड़ दी। अगर हम समय पे नहीं पहुँचते तो पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। और ये हम मैं सभी को कहना चाहती थी, इस तरीके की अगर हरकतें होती है हमें हमारा पर्यावरण कैसे हम बचाएंगे। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां सरे रात दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया और एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर युवक लात घूंसे और डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। और कई सवाल खड़े होते हैं, कोतवाली थाना क्षेत्र के लिट्टी पंजाबी ढाबा के पास की पूरी घटना है, लेकिन अब तक सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। दंतेवाड़ा जिले में ऐसे आपको दर्जनों गांव मिल जाएंगे जहां केंद्र सरकार की नल जल योजना बेहाल है। दो साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कई जगह काम अधूरा छोड़ दिया है। अब डबल इंजन की सरकार से जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन विभाग बजट का रोना अब भी रो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल बीत गए लेकिन नल से पानी नहीं मिल पाया है। योजना, यह योजना प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और यह योजना हर घर में नल पहुंचाने का है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव सहाय जी के द्वारा भी कहा गया है कि मोदी की गारंटी वाली हर योजना का क्रियान्वयन जल्द से जल्द किया जाए, उसमें जो भी कमियां हो उस कमियों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आज हम आपको बताने आए हैं कि इस हम इस समय इस गांव में पहुंचे हैं जिसका टेकनार कहते हैं इस गांव को। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं खड़ी है और मैं ये नल देखिए, पिछले 3 सालों से ऐसा बता रहे हैं यहाँ की महिलाएं कि पिछले 3 सालों से यह नल बना है पर पानी एक ही दिन आया, उसके बाद आज तक आस लगाए बैठे कि पानी कब आएगा, कब दिन फिरेंगे इस नल में पानी आने के लिए। देखिए घुंडी भी यहाँ निरंतर रखा गया, जब इनसे हमने जानने की कोशिश की कि ये घुंडी कैसा है तो इन्होंने बताया कि आज नहीं तो कल ये घुंडी जरूर भरेगी। नल कब से बना है और आप लोग क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से कि नल बन जाए? ये तो 2021 से बना है लेकिन 3 साल हो रहा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ रही हम और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।